अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शो किया था कि आप ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करेंगे, तो वो मैंने SBI को लेकर बनाया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है SBI और UBI से पे करने के लिए, तो मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो विंडोज़ ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं, मगर फिर भी आपको शुरू से दिखा दूँ। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ जाएं, हज 2023 पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोगों को ई पेमेंट शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप UBI से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो, SBI से भी कर सकती हो। फिर आप अगर बैंक जाकर पे करना चाहते हो तो यहाँ आप देख सकते हो, पे इन स्लिप आप जनरेट कर सकती हो। अगर SBI की चाहे तो यहाँ क्लिक कर जनरेट कर लें, UBI की चाहे तो यहाँ क्लिक कर आप जनरेट कर दें। कवर नंबर और बैंक सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है पे इन स्लिप जनरेट होकर आ जाएगी और आप इसे से बैंक में जाकर जमा कर लें। अगर आप आ जाते हैं बैंक पेमेंट पर, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर आ जाते हैं, तो मैंने SBI को लेकर आपने आपको बता दिया है मॉर्निंग ही कि किस तरह से आपने पे करनी है। बस उसी तरह यहाँ UBI से भी आपने पे करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ अपना रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर और सिलेक्शन मोड जो भी हो, आप इंडिविजुअल या फुल पेमेंट करना चाहते हो तो उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दें। तो आपको तो सबमिट करेंगे तो इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पिलग्रिम का अपने अमाउंट पे करना है और यहाँ पर आपने मैनुअली एंटर कर लेना है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने पूछा हुआ है तो इसका आंसर आप मुझे मिल जाएगा। तो अभी मुझे मैंने मैसेज किया हुआ था तो मुझे रिप्लाई आ चुका है, उन्होंने कहा है कि आप पार्टली भी अपना अमाउंट जो है पे कर सकते हैं। कुछ लोगों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख से भी लो है, या फिर कोई UPI से कर रहा है तो उसका भी 1 लाख बिलो है। डायरेक्ट 1,70,000 ही पे करना, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मगर जो भी पे इन स्लिप होंगी उसको संभाल कर रखेंगे और साथ ही साथ स्टेट हज कमेटी को भी आप जमा करेंगे। पार्टली आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट 1,70,000 नहीं हो पा रहा है, आप पार्टली भी इसे जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना अमाउंट डाल लें, डालकर इसको सेलेक्ट एंड पे में कर दें। तो चलिए आपको अभी डिफरेंस बता देती हूँ। मैंने एक विंडो ऑलरेडी SBI का भी यहाँ पर ओपन कर रखा हुआ है, तो अभी आपको सिर्फ डिफरेंस मुझे बताना है। यहाँ पर SBI में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, SBI ब्रांच पेमेंट से कर सकते हैं। अगर आप UBI से करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है और एक ऑप्शन भी आपको मिलेगा यहाँ पर UPI का। फ़ोनपे वगैरह से भी आप जो है यहाँ पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ भारत QR कोड की मदद से भी आप UBI में कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन UBI में हैं और आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इस तरह के ऑप्शन आपको SBI में मिलेंगे। तो देख लें, आपको जिस किसी में भी सहूलत होती है आप उसके थ्रू जाएं, आप उस हिसाब से अपना पेमेंट जो है वो करवा लें। तो मैं सारा कुछ फिल करने के बाद पे नाउ कर दें, फिर वहाँ पर आपको कुछ हो ऑप्शन कुछ फिल करने के लिए पूछा जाएगा, OTP वगैरह आएगा, उसके बाद आप पे कर दें, OTP वगैरह डालकर पे कर दें। आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करने के बाद फिर आपका जो है अमाउंट जो है वो पे हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी रिसिप्ट को है जनरेट कर लें। तो अभी भी कुछ लोग का यही कहना है कि जो हमने रिसिप्ट जनरेट कर रहे हैं उसमें लास्ट का जो हज का एडवांस अमाउंट जो हमने पे किया था वही आ रही है रिसिप्ट, जो भी नया पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट नहीं आ रही। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। यहाँ पर पे नाउ पर जाकर आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं जिसको आपने फिल कर लेनी है, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो फिल करें, नहीं तो रहने दें। फिर उसके बाद पे नाउ करेंगे, पे नाउ करने के बाद यहाँ पर तो यहाँ से आप SBI सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स के, तो आप SBI ही सेलेक्ट करें जो बेटर बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको कुछ 11 रुपीज़ समथिंग जो है इसका ट्रांजैक्शन चार्ज कट होगा। अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट ज़्यादा ले लिया जाएगा, तो इसलिए इंटरनेट बैंकिंग से ही करें, बैंक सेलेक्ट कर लें, पे नाउ पर क्लिक करें और कुछ और ऑप्शन पूछे जाते हैं वहाँ पर जिसको आपने फिल करनी है। मैं वो सारा कुछ शो नहीं कर सकती, आप खुद कर लें। तो ये था डिफरेंस UBI में और SBI में। और एक बात भी आप लोगों से शेयर करनी थी कि आप अपना अमाउंट पार्ट वाइज भी जमा कर सकते हो, मगर सारे स्लिप ध्यान से रखें और सबमिट कर दें। इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी,
साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी जो रिलेट करती है रियाल से। आप अपने सऊदी रियाल को किस तरह से कन्वर्ट कराएंगे, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की थ्रू एक न्यूज़ आई हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि SBI के साथ मिलकर हज पिलग्रिम्स को सहूलत फराहम करने के लिए वो कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से एक न्यूज़ एक आई है जिसमें बताया गया है कि आपके हज ट्रेनिंग कैंप में आपका जो रुपीस को रियाल में कन्वर्ट करके दिया जाएगा, फॉरेक्स कार्ड की सहूलत भी करके दी जाएगी, और उस फॉरेक्स कार्ड में आपको मिनिमम 750 रियाल अपने लोड करके रखने होंगे, उससे ज़्यादा भी आप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा, अगर कहीं कार्ड गुम हो जाता है तो जितने भी अमाउंट आपका उस कार्ड में होंगे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आप कैश चाहें तो आप कैश भी करवा सकते हैं, अगर कार्ड नहीं चाहते कैश चाहते हैं, या जैसे भी आपको जिस तरह से सहूलत हो उस तरह से आप अपने करेंसी को, इंडियन करेंसी को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये आपको आपके हज ट्रेनिंग कैंप में भी इसकी सहूलत फराहम की जाएगी, और साथ ही साथ एम्बार्केशन पॉइंट पर भी इसके जो है सहूलत रहेगी जिसकी मदद से आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा SBI की तरफ से, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर अपने अमाउंट को जो है वो कन्वर्ट करा सकें। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो बतानी थी आपको, और थोड़े बहुत डाउट्स मुझे मैंने बताए थे भी आपके कि मैंने पूछ रखा है, जिसके आंसर आते हैं मैंने आपको जवाब देना है, तो मैंने आपको बता दिया है। आप पार्ट में भी अपना अमाउंट जो है वो जमा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।